जॉब मैं 9 साल से करती थी कलकत्ता में। जब देखा कि हस्बैंड का दिन को पैर टूटा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग उनका साथ नहीं देते हैं, तो बहुत उदास होते हैं होते थे वो। उनका जो काम होता है, अगर वो काम नहीं मिलेगा तो जो भी है उदास होगा, तो वो भी होते थे। मुझे इसीलिए मेरा जॉब छोड़ के उसको हाथ बटाना पड़ा उनका हेल्प करने के लिए। क्या करते थे वो? वो जो डेड बॉडी, अननोन डेड बॉडी होते हैं, जैसे ट्रेन ट्रैक में हो, पानी में हो, या फिर सुइसाइड केस हो, जो भी केस होते हैं, या जितना भी भयंकर केस हो, वो सब उठाते थे और मेडिकल लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेते थे, और उनको उनका उस डेड बॉडी का जो फैमिली जिनका होता है, फैमिली को हैंड ओवर करते हैं, और जिसका फैमिली नहीं होता है, वो हम खुद उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जो कोविड डेड बॉडी होते हैं हमारा यहाँ पे, हम बीएमसी थ्रू से हम लाते हैं। वहाँ में हमारे भी अभी अभी 14 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है बीएमसी के साथ, तो हम उसे भरतपुर जो ग्रेवयार्ड होते हैं, जितना कोविड पेशेंट है, हम उसको उनके वहाँ पे लेके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जितना नॉन कोविड केस हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोकल ग्रेवयार्ड है, जैसे कालियाड़िया है, गौराबड़ू है, तो हम उसको वहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। मैं 11 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ, अननोन डेड बॉडी रेस्क्यूर हूँ भुवनेश्वर का। 11 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो वाइफ है अभी 2.5 साल हो गया मेरा काम कर रहा है। अभी जो कोविड के समय है, अगले साल मैंने किए थे। अभी हमने म्यूनिसपैलिटी के साथ, बीएमसी के साथ 14 तारीख से एग्रीमेंट किए हैं और कल से शुरू होगा। तो अब तक आपने कितने डेड बॉडी का दाह संस्कार किया? 11 साल में कम से कम 5-6 हज़ार हो गया होगा। पैसों की जो आमदनी होती है वो किस तरीके से होती है, क्या करते हैं आप? मैं सब्जी की भंडार दुकान करते हूँ आनिया चौक पे। मैं पहले ऑटो चलाता था, ऑटो तो अगले जो कोविड के समय में मैंने बेच दिया, पर अभी उसको सब्जी की दुकान करता हूँ।